बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस जो कि इस वक्त जेल में सजा काट रही है, उसकी जेल में हालत बहुत खराब है। आलम यह है कि इस एक्ट्रेस को जेल में ही स्थित हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा है। इस एक्ट्रेस का ब्लड शुगर लेवल शुरुआत से ही ऊपर नीचे हो रहा है और 2019 में भी ये बहुत बीमार हुई थी, तब इसको माइल्ड अटैक्स भी आए थे। अब इस एक्ट्रेस की लीगल टीम कोशिश कर रही है कि इस एक्ट्रेस को बेल मिल जाए, लेकिन इस एक्ट्रेस को बेल इजीली मिलने नहीं वाली है क्योंकि इसने जुर्म ही ऐसा किया है। गहना वशिष्ठ की मैं बात कर रही हूँ, जिसका नाम वंदना तिवारी है और जो मिस एशिया बिकनी रह चुकी है। कई सारी साउथ फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में ये एक्ट्रेस काम कर चुकी है। इस एक्ट्रेस को पिछले दिनों मुंबई की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था। इसके ऊपर आरोप था कि ये खुद अश्लील वीडियो शूट करती है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को धमका कर उनकी अश्लील वीडियो शूट करवा कर वेबसाइट पर डालती है और वहां से करोड़ों में इसने पैसा कमाया है। खबर तो ये भी आई है कि गहना वशिष्ठ के साथ ही उनकी जो जेलमेट है, जो कि पिछले ही हफ्ते जेल से छूटी है, उसने इस बात को कन्फर्म किया है कि गहना की हालत जेल में बहुत खराब है और उसको काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कहना वशिष्ठ को इस वक्त मुंबई के भाईकला जेल में रखा हुआ है, जो कि लेडीज के लिए एक स्पेशल जेल बनाई गई है। रिया चक्रवर्ती और भारती सिंह को भी वहीं रखा गया था। गहना के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि उसको क्रॉनिक डायबिटीज है, जिसके कारण उसको लगातार टाइम टाइम पर इंसुलिन देते रहना पड़ता है। साथ ही जेल में उसको घर के खाने की भी परमिशन नहीं दी गई है। गहना जो कि पॉर्न वीडियो के कारण सुर्खियों में बनी हुई है, उनकी लीगल टीम की तरफ से शुरुआत से ही यही खबरें आ रही है कि गहना बीमार है, वो उनको जेल में नहीं रखा जाए, उन्हें बेल पर रिहा कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त मुंबई क्राइम ब्रांच इन लोगों को जरा भी बख्शने को तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरह का कंटेंट ये लोग बनाकर वेबसाइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, ये कंटेंट आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही हानिकारक है।